हेलो गाइस, हाय, वेलकम वेलकम बैक टू इनसाइट्स विद आदर्श। कैसे हो आप सभी लोग? व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा हो, आई विश। एंड वंस अगेन वी आर बैक विद द लेक्चर्स। सो टुडे वी विल बी डूइंग लेक्चर 3rd ऑफ फ्रिक्शन चैप्टर फॉर क्लास 8th। ऑलराइट, हमने स्टार्टिंग के दो लेक्चर में ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पार्ट्स खत्म कर दिए हैं। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो येट, सो गो बैक वॉच टू द वीडियो फॉर इनसाइट्स ऑन फ्रिक्शन फॉर क्लास 8th। एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर इन विच वी विल बी कवरिंग द कॉन्टेंट, द 1/3 पार्ट, द लास्ट 1/3। एंड देन वील बी डूइंग वन शॉट। इट विल बी अ एनिमेटेड वीडियो। यू गाइज शुड वॉच द एनिमेटेड वीडियो। इट विल कम रियली सून एंड इट विल हैव वंडरफुल इफेक्ट्स। यू कैन लर्न जस्ट बाई वॉचिंग द वीडियो ऑफ 7 to 10 मिनट्स। ओके, सो इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियोज येट फॉर द प्रीवियस लेक्चर, गो बैक एंड वॉच दैम, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस वन। Yeah, once again, welcome back to Insights with Adarsh, and let's see what do we have in store for you today. Let's move on, and yes, these are the shoutouts. So once again, I'll give the shoutouts. These are the people who have given me best comments, जिन्होंने मुझे सबसे अच्छे comments दिए थे regarding a question that I post in every video. मैं हर एक video में एक question देता हूँ as a task. सो जो भी मुझे उस टास्क का सबसे अच्छा आंसर देता है, आई गिव अ शाउट आउट टू देम। सो हेयर इज द शाउट आउट फॉर द लास्ट वीडियो, दैट वॉज लेक्चर 2 ऑफ फ्रिक्शन। एंड द शाउट आउट गोज टू पलक, सुजैन, ओमकार, कुशल एंड सौम्यश्री। वेल डन सौम्या, कुशल, ओमकार, पलक एंड सुजी, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। वंस अगेन आई सी कुछ लोग दोबारा से भी हैं यहाँ पे शाउट आउट लिस्ट में। सो ग्रेट गोइंग गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही हार्डवर्क करते रहो एंड गिव मी करेक्ट आंसर, यू विल बी ऑन द लिस्ट वंस अगेन। एंड अगर बाकी आप लोग भी आना चाहते हो, देन इट्स वेरी सिंपल, गिव मी अ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ टूडेज क्वेश्चन। ओके, एंड यस, वी आर गोइंग टू डू फ्रिक्शन लेक्चर 3। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी वट डू वी हैव फॉर यू। यस, देखते हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज। सबसे पहले हम सीखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देन वील बी लर्निंग अबाउट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड देन वील बी लर्निंग अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन एज वेल, एंड फाइनली वील बी लर्निंग अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन। सो बेसिकली हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरी चीज होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन वील बी लर्निंग अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन, एंड फाइनली हम क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। बाकी तीनों भी इंटरेस्टिंग है, बट फ्लूइड फ्रिक्शन इज समथिंग न्यू फॉर यू। ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन द फर्स्ट वन, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है गाइस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका रियल सेंस समझते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखा था, ये जो दो सरफेस होते हैं, मान लो ये एक सरफेस है और ये एक दूसरा सरफेस है, ठीक है, तो इसके बीच में ये जो ये सरफेस होगा, इसके बीच में यहाँ पे क्या होती है, इरेगुलरिटीज। लेट मी पिक अनदर पेन, आई थिंक दिस विल नॉट वर्क। ओके, लेट मी ड्रॉ सरफेस। दिस इज अ सरफेस, दिस इज अनदर सरफेस, इनके बीच में यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है। अब ये इरेगुलरिटीज क्या होती हैं, आपस में लॉक हो जाती हैं, ठीक है, तो इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन आता है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो अभी देखो, अभी क्या होता है, जब आप कभी बॉक्स को पुश या पुल कर रहे हो, जैसे ये बंदा इस बॉक्स को यहाँ पे पुल कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका बॉक्स है, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है, यहाँ की इरेगुलरिटीज नीचे वाले जो वाइट सरफेस ये आपको दिख रहा है, इस सरफेस के साथ यहाँ पे क्या होगा, इंटरलॉक हो जाएंगी। तो जब स्टार्टिंग में आप पुश करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने हाथ लगाया और तुरंत ही तुरंत बॉक्स जो है वो मूव कर जाएगा, नहीं करेगा ना। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में ये जो यहाँ पे इरेगुलरिटीज होती हैं, ये आपस में लॉक होती हैं, तो इस लॉक को ब्रेक करने के लिए जो जो फोर्स चाहिए होता है हमें, इस लॉक को ब्रेक करके बॉक्स को मूव कराने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन।
ठीक है, तो हमने क्या सीखा, जो इनिशियल फोर्स चाहिए होती है हमें ब्लॉक को मूव कराने के लिए, इरेगुलरिटीज का कॉन्टैक्ट ब्रेक करा के जो इनिशियल फोर्स चाहिए होती है किसी भी चीज को मूव कराने के लिए, तो उसे हम कहते हैं व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें मेन मेन चीजें क्या हैं याद करने के लिए हमारे। तो फर्स्ट थिंग इज, स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो इरेगुलरिटीज होती हैं दो सर्फेसिस के बीच में वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो टाइप ऑफ सर्फेस पे डिपेंड करेगा। अब जितना ज़्यादा इरेगुलर सर्फेस होगा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, बिकॉज इरेगुलरिटीज उतनी ज़्यादा होंगी तो उतनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी, तो इसलिए उतना ही ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जितना इरेगुलर सर्फेस होगा। देन अभी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो इनिशियल फोर्स जो होती है जो कि बॉक्स को मूव कराने के लिए लगती है उस फोर्स के बराबर होता है। तो ऐसे आप समझ लो कोई एक हिंड्रेंस है किसी चीज़ को चलाने में, तो जब तक आप उस हिंड्रेंस को ब्रेक नहीं करोगे तब तक वो आपका चीज़ चलेगी नहीं ना। तो सिमिलरली बॉक्स को मूव कराने से पहले एक फोर्स लगती है, स्टार्टिंग फोर्स, जिसके बाद ही बॉक्स मूव करता है, तो वो जो स्टार्टिंग फोर्स होती है दैट इज इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है गाइस, सो दैट इज हाउ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लाइक, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी सीन इन एक्चुअल लाइफ। आप बॉक्स पुश करते हो, जो स्टार्टिंग फोर्स लगती है थोड़ी सी मैंने स्टार्ट में बॉक्स मूव कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये जो बॉक्स स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो बॉक्स यहाँ पे था इनिशियली, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये धीरे धीरे करके आगे जा रहा है। ठीक है, अब इसको मूव कराने के लिए हमने कौन सा फ्रिक्शन लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन। बट जब ब्लॉक मूव कर गया तो क्या एक बार मूव कर देता, आप छोड़ दो तो क्या मूव करता रहेगा, नहीं करेगा ना। तो मूव इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी भी जो इरेगुलरिटीज हैं वो पूरी प्रॉपर इंटरलॉक तो नहीं होंगी, बट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड तो करती है ना। तो अगर स्लाइड करेंगी इरेगुलरिटीज तब भी तो कुछ रेजिस्टेंस आएगा मूवमेंट में, तो वो जो रेजिस्टेंस होता है इरेगुलरिटीज के स्लाइड करने की वजह से, उसको ओवरकम करने में जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि अभी क्या होंगी, इरेगुलरिटीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि जब चीज़ें मूव करने के बाद ऐसे स्लाइड करती हैं, जब मूव हो जाती हैं उसके बाद क्या इरेगुलरिटीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हुई जाती हैं, तो उन इरेगुलरिटीज की वजह से जो रेजिस्टेंस फोर्स लगता है उस रेजिस्टेंट फोर्स को उस रेजिस्टेंस फोर्स को अपोज करने के लिए, मोशन कंटिन्यू करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या याद करने के लिए हमारे लिए। इसमें भी तीन चीज़ें, ये जो होती है मिनिमम फोर्स होती है जो कि मोशन को कंटिन्यू रखती है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद अब मोशन स्टार्ट होगा आपका, तो उस मोशन को कंटिन्यू करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगी मिनिमम फोर्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टैटिक नहीं होगा, दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों ब्रेक डेवलप होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन डेवलप्स बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस स्लाइड ओवर वन अनदर। तो इरेगुलरिटीज जो होती हैं सरफेस की वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, तो क्या होता है मोशन में थोड़ा रेजिस्टेंस आता है, तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमें क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों आता है, क्योंकि जो इरेगुलरिटीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। ठीक है, अभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आता है, पहले जब आप स्टैटिक को ओवरकम करोगे, जब बॉक्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही आ सकता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि जब स्टैटिक ब्रेक होगा तभी तो मूवमेंट चालू होगा, तो जब मूवमेंट चालू होगा तभी स्लाइड होंगी इरेगुलरिटीज एक दूसरे के ऊपर, और जब स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी देन कौन सा फ्रिक्शन लगने लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अभी हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, रोलिंग फ्रिक्शन। अभी आप देख रहे हो कितनी आसानी है इसे बैग खींचने में, बट यही बैग की जगह अगर आपको बॉक्स दे दें और उसमें बहुत सारी चीज़ें भर दें और आपसे बोलें कि आप इसको पुश करके ले जाओ, तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी ना। अभी इन्होंने क्या किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, बट वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे नीचे लगा दिए व्हील्स। तो व्हील्स लगाने की वजह से क्या हुआ, हम ये सीखेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो रोलर स्केटिंग हो रही है, रोलर ब्लेडिंग कहते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे व्हील्स हैं, तो व्हील्स की वजह से एक तो सरफेस, आप देखो सरफेस कितना स्मूद है यहाँ पे, दिस सरफेस इज़ वेरी स्मूद। ठीक है, जो पॉलिश्ड प्लाईवुड का बना हुआ है ये,
तो एक तो सरफेस स्मूथ है, ऊपर से व्हील्स हैं, तो फ्रिक्शन जो है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है व्हील्स की वजह से, ठीक है। और ये जो सर्कुलर पार्ट्स पे जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जांपल्स, हम रोलिंग फ्रिक्शन देखते कहाँ कहाँ हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन हम मोस्टली देखते हैं जो हैवी मशीनरी होती है उसमें सर्कुलर पार्ट्स लगाते हैं, तो उन सर्कुलर पार्ट्स में हम रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे एनर्जी लॉस बहुत कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से, और रेजिस्टेंस भी मोशन में काफ़ी कम आता है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाई वी यूज़ व्हील्स फॉर रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे ज़्यादा, एंड देन सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तीनों हो गए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी हम एक अलग टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन में देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में हमें पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, कि जब वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक बॉडी दैट इज व्हील दूसरी बॉडी, तो दूसरी बॉडी इज व्हाट, सरफेस, जहां पे आप व्हीलिंग या मान लो रोलर ब्लेडिंग कर रहे हो, तो व्हील जो है आपका पहली बॉडी है, जो नीचे का सरफेस है प्लाईवुड वेरी स्मूथ सरफेस, तो वो दैट इज सरफेस टू। जब आप व्हील आपका ऐसे रोल करेगा इसके ऊपर, देन यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा व्हील और उस प्लाईवुड के बीच में, दैट विल बी रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे अभी हम रोलिंग वाली चीज़ों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, दैट इज यू शुड रिमेंबर। एंड जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, तो सबसे ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो रोलिंग कहाँ कहाँ पे हमें हेल्प करता है, रोलिंग हैंडल हैवी वेट हैंडल करने में ईजिली होता है। आपने देखा होगा जब रेलवेज पे जाते हो तो वो लोग ऐसे ट्रॉली लेके घूमते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आगे साइड व्हील्स लगे होते हैं, तो व्हील्स की हेल्प से वो क्या होता है, वो बहुत ही आसानी से मूव कर जाता है। 10-10, 15-15 बैग्स लगेज के वो लोग लेके चले जाते हैं बहुत ही आराम से, जो स्टेशन पे कूली होते हैं, राइट। या तो आपने देखा होगा बहुत हैवी हैवी चीज़ें ला के वो लोग ट्रेन्स में रखते हैं, सो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो लोग रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं जिससे उनकी मेहनत कम हो जाए, ठीक है। एंड सिमिलरली रोलर ब्लेड्स जो होती हैं स्मूथ सरफेस होते हैं दोनों, तो उसमें क्या होता है, एक बार आप हल्का सा फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन कम है, इसलिए बहुत दूर तक रोल होते हुए जाते हैं। दैट इज़ वाई रोलर ब्लेड्स जो होते हैं वो काफ़ी दूर तक आपको लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम है और स्मूथ भी सरफेस है, इसलिए रोल जो होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है। नाउ कम्स फ्लूइड फ्रिक्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको क्या लगता है, फ्लूइड और लिक्विड ये दोनों सेम चीज़ हैं या इन दोनों में अंतर है? व्हाट डू यू थिंक, इज देयर एनी डिफरेंस, डू यू थिंक दोनों सेम है या नहीं? ओके, लेट मी क्लियर कि ये सेम है या नहीं। तो हम जनरली जो होता है फ्लूइड को हम जनरल सेंस में देखें तो एनीथिंग दैट कैन बी फ्लोन, और जो जिसमें टेंडेंसी हो फ्लो करने की, जैसे कि वो बह सकता हो, जैसे हवा हो गई, गैस हो गई, या कोई ऐसी चीज़ जो जैसे आपका फेविकॉल है, तो फेविकॉल क्या है, इट्स नॉट अ प्रॉपर लिक्विड, क्योंकि वो फ्लो करके बहुत दूर तक नहीं जा सकता, बट आप ऐसे रखोगे तो उसमें टेंडेंसी तो है, वो बहना तो चाहता है ना, राइट। सो एनीथिंग विच हैज़ द टेंडेंसी टू फ्लो, जिसमें बहने की इच्छा हो या बहना चाहता हो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं जो कि जिनमें की इच्छा हो कि दैट कैन दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, लाइक गैसेस हो गई, एयर हो गई, एंड फेविकॉल हो गया आपका, हनी हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फ्लूइड, ठीक है। एंड लिक्विड क्या होता है, लिक्विड तो आपने पढ़ा ही होगा टाइप्स ऑफ मैटर में, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, राइट। तो लिक्विड ईजिली फ्लो होती हैं, बट जो आपका फ्लूइड है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बहुत आराम से फ्लो हो जाएं। फ्लूइड में क्या है, गैसेस भी आती हैं, लिक्विड्स भी आती हैं, बट लिक्विड्स में फ्लूइड्स इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो अभी आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे फ्लूइड्स और लिक्विड्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। अब जब कभी आप किसी एक बॉडी को किसी फ्लूइड के थ्रू मूव करोगे तो उसके मोशन में ना एक रेजिस्टेंट फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी हम समझते हैं। तो ऐसे आप एक ना, ये रही आपकी एक बकेट ले लो, दिस इज़ अ बकेट फिल्ड विद वाटर, ठीक है। इस बकेट को हमने वाटर से फिल किया, अभी हम क्या करेंगे, इस पेन को यहाँ से ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो जब ये ऐसे इसमें ड्रॉप होता है तो यू मस्ट हैव नोटिस, जब तक वो हवा में रहता है पेन,
तब तक तो बहुत तेज़ी से ड्रॉप होता है, लेकिन जब पानी में जाता है तो पानी में जाने के टाइम जब वो नीचे जाता है देन इसकी स्पीड ना काफ़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जब वो हवा में था, राइट। ये तो आप लोग ने नोटिस करा होगा, अगर नहीं करा तो अभी आपके पास बकेट भी होगा, पेन भी होगा, यू कैन ट्राई दिस एट होम वेरी इजीली, ठीक है। तो अभी क्या है, पेन ड्रॉप करा तो पेन हवा से जो है वो जोर से गिरता है हवा में, बट पानी में जब अंदर जाता है तो वो स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हवा की वजह से फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम है और जो पानी की वजह से फ्लूइड फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है, इसलिए जो है पानी में स्लो मूव कर रहा है और हवा में तेज मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कोई भी जो फ्लूइड हो उस फ्लूइड में जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसके सरफेस पे फ्लूइड हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगा। अब जब कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसे हम रेजिस्टेंट फोर्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। ये एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, यू कैन ट्राई दिस एट होम, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर सेंस हो जाएगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन में पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या होते हैं। फ्लूइड्स जो होती हैं दे एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। तो जब कभी एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स में मोशन करेगा तो उसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है फ्लूइड्स की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। अब जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसको हमने दूसरा नाम क्या दे रखा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। जैसे आपने सुना होगा एयर ड्रैग, इट्स वेरी कॉमन इन कार्स, एयर ड्रैग, ठीक है। तो एयर ड्रैग क्या हुआ, एयर की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज एयर ड्रैग। अब क्या, अभी हमने देखा कि जब हम पेन को ऐसे ड्रॉप कर रहे थे बकेट में, ठीक है, तो बकेट में वो धीरे मूव कर रहा था बट एयर में फास्ट मूव कर रहा था। बकेट में क्या है, बकेट में स्लो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि एयर जो है वो कम फ्रिक्शन ऑफर कर रही है, एयर इज फ्लूइड, वाटर इज ऑल्सो फ्लूइड, तो एयर का जो फ्रिक्शन है वो कम है बट वाटर जो फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है दैट इज मोर, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफर करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स टू रिमेंबर इन फ्लूइड फ्रिक्शन। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक यू टू लर्न, आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो हमेशा इसी टाइप से क्यों बने होते हैं, जैसा ये बना हुआ है ये एरोप्लेन इसी टाइप से क्यों बना होता है, कुछ और डिज़ाइन क्यों नहीं बना दी। तो ये डिज़ाइन इसलिए बनाते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि ये देखो, ये जैसे इन्होंने वाइट वाइट में दिखाया है इसमें एनिमेशन में, तो यहाँ से जो एयर आती है तो वो क्या होती, वो यहाँ से ऐसे निकल जाती है एक तो, ठीक है, जो इधर से आती है वो इधर से ऐसे करके निकल जाती है और कुछ कुछ जो है वो ऊपर से ऐसे करके निकलती है। तो ये डिज़ाइन इसलिए बनाते हैं, जो एयर की जो फ्रिक्शन होता है, जो एयर ड्रैग होता है, तो वो एयर ड्रैग जो है वो मिनिमाइज करने के लिए हम एरोप्लेन्स वगैरह में ऐसे डिज़ाइंस बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कभी कोई डेंजरस फ्रिक्शन लेवल ना हो और कोई अनहोनी घटना ना हो, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो, ठीक है। अभी एक चीज़ और, ये देखो ये कौन सी कार है, दिस इज लुक्स लाइक लैम्बोर्गिनी, राइट। सो दिस इज लैम्बोर्गिनी। तो आपने देखो कि ये वाली कार जो होती है बहुत ही फ्लैट टाइप की बनी होती है, बट जो नॉर्मल कार्स होती हैं वो कैसे होती हैं, वो इस टाइप की होती हैं कुछ, ठीक है। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, तो जस्ट ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कार है, तो इसमें क्या होता है, इन कार को तो बहुत तेज तो चलना नहीं होता, इनकी तो नॉर्मल स्पीड होती है ना, क्योंकि इनको चलना कहाँ पे है, इनको चलना है हाईवेज पे, लोकल रोड्स पे, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें एयर ड्रैग के लिए क्या सिस्टम होता है कि यहाँ से हवा आएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से फ्रंट से ऐसे हो जाएगी, तो जो एयर ड्रैग होगा वो होगा बट कम होगा, ठीक है। लेकिन जो सुपर कार्स होती हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी हो गई, फरारी हो गई, मेज़राटी हो गई, तो ये सब ये जो सुपर कार्स हैं इनको ना इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप जोर स्पीड पे चलाना चाहो, ये रेसिंग कार्स होती हैं, तो इनमें ना एयर ड्रैग आपको बिल्कुल ज़ीरो रखना होगा, बिल्कुल ही मिनिमाइज करना होता है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कार्स लाइक सुजुकी हो गई एंड इनोवा, फॉर्चुनर, दे आर द नॉर्मल कार, नॉर्मल रोड्स के लिए बनी हुई हैं। बट जो सुपर कार्स होती हैं उनको तो बहुत तेज चलना है, तो वहाँ पे मेन कंसिडरेशन क्या होता है कि हमको एयर ड्रैग कम करना है, अगर एयर ड्रैग कम नहीं हुआ तो कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखो आप डिज़ाइन कितनी स्मूथ डिज़ाइन है, यहाँ से हवा आएगी और ऐसी चली जाएगी पूरी, यहाँ से ऐसे आएगी ऐसे चली जाएगी, इधर से आएगी इधर से चली जाएगी, इधर वाली इधर से चली जाएगी, तो क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे इंसिडेंट नहीं होगी, तो जो
फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन बहुत ही कम लगता है बिकॉज इसकी डिज़ाइन ऐसी बनी हुई है। ठीक है, सो ये एक सोचने वाली बात है कि सुपर कार और नॉर्मल कार की डिज़ाइन अलग अलग क्यों होती हैं। तो वन ऑफ द फैक्टर इज क्योंकि वहाँ पे हमें एयर ड्रैग बहुत ही कम करना होता है। ठीक है, नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, आप लोग को बताना है व्हाट इज कॉमन इन फिशेज एंड एनिमल एंड बर्ड्स, दिस शुड बी इन, व्हाट इज कॉमन इन फिशेज एंड बर्ड्स। आपको सोचना किस कंटेक्स्ट में है, आपको सोचना है फ्लूइड फ्रिक्शन के कंटेक्स्ट में कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो बर्ड में और फिशेज में कॉमन होती है, सो एज टू रिलेट इट विथ फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, और ये भी सोच समझ के आंसर देना मुझे, जो फ्रिक्शन है वो रेजिस्टेंट फोर्स होती है। ठीक है, तो इसे ओवरकम करना होगा। तो अभी सोचो कि बर्ड्स कैसे ओवरकम करते होंगे, फिश कैसे ओवरकम करती होगी, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड देन गिव मी आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। ठीक है, एंड वंस अगेन आपको ये भी बताना है मुझे कि हम जो व्हील्स होती हैं उन्हें हम फ्रिक्शन मिनिमाइज करने के लिए और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हमने आपको दो एग्जाम्पल दिए, एक रोलर ब्लेडिंग का एंड वन मोर एग्जाम्पल वॉज लगेज कैरिंग का। ठीक है, तो वहाँ पे तो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम कहाँ कहाँ और करते हैं, तो यू हैव टू टेल मी दैट ऑल्सो। एंड गाइज, जो भी मुझे अच्छे आंसर देगा सो दे विल बी ऑन द शॉर्ट आउट लिस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन। जो भी नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसमें आई विल गिव शॉर्ट आउट्स टू द गाइज हु विल गिव मी द प्रिसाइज आंसर एंड द करेक्ट आंसर्स ऑल्सो। सो गाइज, हमने फ्रिक्शन में सारी चीज़ें पढ़ ली। अभी हमने आज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, कल हमने क्या पढ़ा था जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसको इंक्रीज कैसे करते हैं, उसको डिक्रीज कैसे करते हैं। और फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, ओरिजिनेट क्यों होता है, डिस्कवरी कब हुई थी, जो उसकी इनिशियल चीज़ें थी। ठीक है, तो नाउ इन थ्री लेक्चर्स हमने फ्रिक्शन के बारे में सब कुछ कवर कर लिया है फॉर क्लास 8 CBSE, राइट, हमने सब कवर कर लिया है। सो यू हैव ओनली थ्री वीडियोस, एक और वीडियो आएगी दैट विल बी एनिमेटेड वीडियो जिसमें कि आपको फ्रिक्शन के बारे में सब आपको नॉर्मली स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो अगर आप वो देख लोगे तो आपको प्रॉपर एक वन शॉट आइडिया लग जाएगा कि फ्रिक्शन की समरी क्या है। तो आप पहले इन्हें देखना एंड देन इन वीडियोस के बाद फाइनली उसे देखोगे तो आपका पूरा फ्रिक्शन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड बहुत से लोग मुझसे नोट्स और डिस्कशंस के लिए बोल रहे थे, सो वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो आप हमारा एंड देयर आई विल गिव यू नोट्स। जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म होगा आई विल गिव यू नोट्स। तो फ्रिक्शन हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सो जैसे ही हम उसकी वन शॉट वीडियो डालेंगे उसके बाद मैं आपको पूरे नोट्स फ्रिक्शन के टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करूँगा। सो गाइज, ज्वाइन द ग्रुप एंड स्टे अपडेटेड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। एंड फाइनली गाइज, do like and share the video, the content, because jo this is all free and when you like and share it will reach to many other people jinhe ki need hai, abhi sab log online mein shift ho rahe hain, to it's very easy and I try to keep it very fun ki aap sabhi logo ko kafi acha lage. So guys, do like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching. I know your time is precious. So thanks for giving me your precious time. Thanks for watching. Have a nice day. Thank you all guys. Bye bye. Take care.